इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं के भी काम को उन्होंने देखा है और श्री दिनेश्वर शर्मा जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और व्यक्तियों के साथ बातचीत प्रारंभ करेंगे। और सस्टेंड इंटरेक्शन और डायलॉग के माध्यम से उनकी लेजिटिमेट एस्पिरेशंस को समझेंगे। और इसमें समाज के सभी वर्गों के साथ साथ वह कश्मीर जम्मू कश्मीर के यूथ की एस्पिरेशंस को समझने पर भी खास तवज्जह देंगे। और श्री दिनेश्वर शर्मा बातचीत करने के बाद पूरा विवरण भारत सरकार के साथ और जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ भी साझा करेंगे। बस मुझे इतनी जानकारी देनी थी आपको। धन्यवाद ऑनरेबल होम मिनिस्टर सर। लेट्स स्टार्ट विद। और मैं ये भी जानकारी आपको दे दूं कि ये जो भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव श्री दिनेश्वर शर्मा नियुक्त किए जा रहे हैं उनको कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस हासिल होगा। या 232 भारती सर कैबिनेट सेक्रेटरी का स्टेटस। सर मैं इशू से थोड़ा सा हटूंगी। रिपोर्ट्स हैं कि सीबीआई स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना की अपॉइंटमेंट। सॉरी नहीं, मैंने कहा ना केवल इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, पूछिए उसकी मैं रिप्लाई करूंगा। नहीं गृहमंत्री जी आपने कहा सारे स्टेक होल्डर समाज के, तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इन्वॉल्व करेंगे बात। मैंने जितना कहना था, अब यह जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त हुए हैं श्री दिनेश्वर शर्मा, यह बात किससे बात करनी क्या करनी यह सब सारा फैसला उन्हीं के ऊपर छोड़ा गया है, यह पूरा अधिकार दिया गया है। तो ये उनके पास आजादी रहेगी, ये आजादी उनके पास रहेगी कि पूरी आजादी श्री दिनेश्वर शर्मा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको यह हासिल रहेगी। सर ये जो अभी अपॉइंट हो रहे हैं मिस्टर दिनेश्वर शर्मा, जो पिछले इंटरलोक्यूटर्स की रिपोर्ट थी उसके वे तो कुछ अभी तक अमल किया नहीं गया है, तो ये किस तरह से डिफरेंट होगा? नहीं आप ये मानकर चलिए जो कुछ भी हम लोग करेंगे वह साफ नीति और नियत के साथ करेंगे। और हम जम्मू कश्मीर में जो भी लोगों की एस्पिरेशंस हैं उस एस्पिरेशंस को समझेंगे और उनकी एस्पिरेशंस को कैसे फुलफिल किया जा सकता है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने जो चैलेंजेज हैं उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है इसका प्रयत्न करेंगे। सर सरकार से इसके पहले, सुधीर रंजन सर इंडिया टुडे से, सरकार से इससे पहले हम लोगों को जितना समझ में आ रहा था कि कश्मीर में जिस तरफ एजिटेशन जा रहा है इस्लामाइजेशन के तरफ जा रहा है। किसकी तरफ? इस्लामाइजेशन के तरफ जा रहा है, इट इज एन इस्लामिक मूवमेंट और रेडिकलाइजेशन। इज द गवर्नमेंट नाउ ऑफ द व्यू दैट वाज अ रॉन्ग असेसमेंट एंड देयरफॉर यू नीड टू एंगेज द पीपल? देखिए अब जो भी चैलेंजेज हैं, जो भी प्रॉब्लम है जम्मू कश्मीर की, उसके संबंध में पूरी आजादी इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव श्री दिनेश्वर शर्मा को रहेगी कि उन समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, जो चैलेंजेज हैं उन चैलेंजेज को कैसे मीट आउट किया जा सकता है। सर आपको लगता है जब भी आप वहां पर गए जिस तरह की बातें आपके सामने लोगों ने आकर बताई, आपको लगता है एक फॉर्मर पुलिस ऑफिसर कॉम्पिटेंट है या ये पॉलिटिकल डायलॉग की आप लोगों को जरूरत नहीं महसूस हुई कि पॉलिटिकली इस बात को आप या कोई और नेता लीड करे? समस्या का समाधान होना चाहिए, उद्देश्य यही है। और मैं समझता हूं ऐसा कोई व्यक्ति जिसका कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कोई भी एफिलिएशन कभी नहीं रहा है जिंदगी में, वह सर्वाधिक उपयुक्त होगा लोगों के साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सभी इंडिविजुअल्स के साथ बातचीत करने के लिए। सर संतोष ठाकुर दैनिक भास्कर से। वन मिनट संतोष वेट। क्या इस डायलॉग में सेपरेटिस्ट होंगे? मैंने कहा कि ये पूरी आजादी इस रिप्रेजेंटेटिव दिनेश्वर शर्मा को होगी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं कि वह जिससे बात करना चाहें उसके साथ बातचीत करें, लोगों के एस्पिरेशंस को समझें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अवगत करें। गृह मंत्री जी
और कि कोई उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं है, यह मना बिल्कुल मना नहीं किया गया है कि इनसे बात करनी है, इनसे बात नहीं करनी। गृह मंत्री जी लगातार जम्मू कश्मीर के गवर्नर को लेकर लगातार सवाल खड़ा होते रहे हैं कि उनका इस्तीफे को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जरूरत है कि वहाँ पर नया गवर्नर को नियुक्त किया जाए ताकि जो है वहाँ पर बेहतर तरीके से और वहाँ पर कामकाज हो सके? इलेक्टेड गवर्नमेंट है और गवर्नर हैं वहाँ पर, क्या करना कैसे करना ये सब समय समय पर जो चीजें होती जाएंगी उसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। राजनाथ सिंह जी, मेरा आई एम सिटिंग हियर 203 दीपक दीवान नॉर्थ ईस्ट सन। मेरा सवाल ये है कि हाल में ही आपने दिनेश्वर शर्मा जी को इंटरलोक्यूटर अपॉइंट किया था मणिपुर के जो ग्रुप्स हैं KNO और UPF से बातचीत करने के लिए। इनफैक्ट कल ही उनकी उनकी कल वो मीटिंग होनी है, तो वो क्या उसके लिए अब आप कोई दूसरा इंटरलोक्यूटर लगाएंगे या अब देखेंगे उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, उस पर विचार करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देयर, वन मिनट होल्ड ऑन, यू हैव आस्क्ड दैट प्लीज। सर, इनका टाइम पीरियड क्या होगा, क्या कोई समय अवधि है, कब तक रिपोर्ट देना है या क्या? देखिए, अब निश्चित समयावधि नहीं बतलाई जा सकती कि उनको 3 महीने 6 महीने 8 महीने, माने सभी के साथ बातचीत करनी है। अब बातचीत में कितना समय लगता है इसके संबंध में कोई निश्चित समय नहीं बतलाया जा सकता। बस करो। या लास्ट क्वेश्चन रविंद्र 121। ही हैज टू गो फॉर अनदर फंक्शन। राजनाथ जी, एक छोटा सवाल है कि पिछले 3-3.5 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या गृह मंत्री राजनाथ सिंह या दूसरे मंत्री, जम्मू कश्मीर के कई दौरे किए, कई बार बातचीत किए, कई घोषणाएं किए, क्या आपको लग रहा है 3.5 साल बाद कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकल पाया जम्मू कश्मीर के, इसलिए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करना पड़ा है? नहीं, वैसे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी राजनीतिक पार्टी के नेताओं से भी बातचीत की, कैसे समाधान निकल सकता है, क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, आपका क्या सुझाव है। और मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं कि अधिकांश लोगों ने यह कहा कि बातचीत का सिलसिला प्रारंभ करना चाहिए, तो इस आधार पर हम लोगों ने यह फैसला किया है। और इसका संकेत हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से दे दिया था, यह कहते हुए कि जम्मू कश्मीर की समस्या का समाधान न गाली से न गोली से होगा बल्कि लोगों को गले लगा कर होगा। सो वी विल कंक्लूड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस फ्रेंड्स, आई थैंक द। तो इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने एक गैर राजनीतिक नुमाइंदा नियुक्त किया है जो जम्मू कश्मीर में सभी पक्षों से बात करेगा। दिनेश्वर शर्मा होंगे, पूर्व आईबी चीफ, पूर्व आईपीएस ऑफिसर हैं दिनेश शर्मा, जो कि पूर्वोत्तर में भी गुटों से बात कर रहे हैं। अब वो जम्मू कश्मीर में सभी पक्षों से बात करने वाले हैं। एक अहम खबर है अपने आप में, इस पर गौर कीजिएगा, क्योंकि कश्मीर में खासकर घाटी में पिछले कुछ अरसे से हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। अब जो है खबर यह है कि सभी पक्षों के साथ दिनेश्वर शर्मा को पूरी आजादी होगी, वो किसके साथ बात करना चाहते हैं, और फिर यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी राज्य और केंद्र सरकार दोनों को। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिनेश्वर शर्मा जो हैं बातचीत करने वाले हैं, और बातचीत का नया दौर शुरू हो रहा है जम्मू कश्मीर में। एबीपी न्यूज पर बड़ी खबर, यह है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।